उत्तर प्रदेश में हुए हाल ही में उपचुनाव के परिणामों पर बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रामपुर और सपा में भाजपा और सपा की मिलीभगत नजर आ रही है। खतौली में भी बीजेपी की हार काफी ज्यादा चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को खासकर चिंतन करने की बहुत जरूरत है कि उनके साथ ऐसा क्यों किया गया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की हुई जीत, किंतु रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खान की खास सीट पर योजनाबंद कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये सब सपा और भाजपा की अंदरूनी मिली भगत का ही परिणाम तो नहीं। इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने और समझने की भी जरूरत है ताकि आगे होने वाले चुनाव में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को लेकर भी यहाँ काफी संदेह बना हुआ है, ये भी सोचने की बात है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं जिसमें मैनपुरी से डिंपल यादव की जीत हुई है, खतौली से मदन भैया की और रामपुर की सीट से बीजेपी की जीत हुई है। इसी को लेकर बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने ये ट्वीट करके लिखा है अपनी प्रतिक्रिया।